अज दिन चढ़दे ही राजपुरा दे विच भयानक हादसा हो गया। धुंद के कारण यह भयानक हादसा होया जिस दे विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दसा जा रहा है कि राजपुरा दे विच हाईवे ते धुंद के कारण एक PRTC की बस कई गड्डियां दे नाल टकरा गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है ते एक जख्मी दसा जा रहा है। हादसे का कारण सिर्फ धुंद ही नहीं, उत्थे मेन रोड दे नाल कूड़े दे डंप नूं लगाई अग भी दसा जा रहा है, जिसकी साडे देश नूं आजाद होए 76 साल हो गए पर कई चीजों विच अजे भी सानूं आजादी नहीं मिली। जिमें कि सरकारी दफ्तर च आम लोगों लई धक्के, बद इंतजामिया, खजल खुआरियां। आजादी की जंग जिहड़ी सी ओह साडियां अगलियां पीढ़ियां की जिंदगी नूं सौखी करन वास्ते लड़ी गई सी, ना कि इस गल वास्ते कि साडे चाचे ताए प्यो दादे सरकारी दफ्तरां दे धक्के खाण। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिआं नूं साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पंजाब दे लोकां नूं हुण सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। हुण सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कट्टण दी लोड़ नहीं, बस डायल करो 1076 अते सरकारी सहूलतां अपने घर विच ही पाओ। पंजाब दी भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार। अग दा धुआं कितें ना कितें इस हादसे दा कारण बनिया। इस हादसे दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं, जिस तों देख के अंदाजा लगाया जा सकदा है कि धुंद दे कारण किन्ना भयानक हादसा होवेगा। बस दा अगला हिस्सा पूरी तरह दे नाल नुकसानिया गया, इन्ने ही नहीं हाईवे दे उपर गड्डियां दीआं कतारां लग गईआं, आवाजाई भी प्रभावित होई गई। फिलहाल इस हादसे की जानकारी मिलन दे बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके ते पहुंचे ने, जिन्हां दे वल्लों जांच कीती जा रही है। उधर दूसरे पासे मृतक दे परिवारक मैंबरां नूं सूचित कीता गया, जबकि जख्मी नूं नेड़ले हस्पताल दे विच दाखल करवा के उसका इलाज शुरू करवाया गया। अज दिन चढ़दे ही राजपुरा दे विच भयानक हादसा हो गया। धुंद दे कारण यह भयानक हादसा होया जिस दे विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दसा जा रहा है कि राजपुरा दे विच हाईवे ते धुंद दे कारण एक PRTC की बस कई गड्डियां दे नाल टकरा गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है ते एक जख्मी दसा जा रहा है। हादसे का कारण सिर्फ धुंद ही नहीं, उत्थे मेन रोड दे नाल कूड़े दे डंप नूं लगाई अग भी दसा जा रहा है, जिसकी अग का धुआं कितें ना कितें इस हादसे का कारण बनिया। इस हादसे दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं, जिस तों देख के अंदाजा लगाया जा सकदा है कि धुंद दे कारण किन्ना भयानक हादसा होवेगा। बस दा अगला हिस्सा पूरी तरह दे नाल नुकसानिया गया, इन्ने ही नहीं हाईवे दे उपर गड्डियां दीआं कतारां लग गईआं, आवाजाई भी प्रभावित होई गई। फिलहाल इस हादसे की जानकारी मिलन दे बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके ते पहुंचे ने, जिन्हां दे वल्लों जांच कीती जा रही है। उधर दूसरे पासे मृतक दे परिवारक मैंबरां नूं सूचित कीता गया, जबकि जख्मी नूं नेड़ले हस्पताल दे विच दाखल करवा के उसका इलाज शुरू करवाया गया। अज दिन चढ़दे ही राजपुरा दे विच भयानक हादसा हो गया। धुंद दे कारण यह भयानक हादसा होया जिस दे विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दसा जा रहा है कि राजपुरा दे विच हाईवे ते धुंद दे कारण एक PRTC की बस कई गड्डियां दे नाल टकरा गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है ते एक जख्मी दसा जा रहा है। हादसे का कारण सिर्फ धुंद ही नहीं, उत्थे मेन रोड दे नाल कूड़े दे डंप नूं लगाई अग भी दसा जा रहा है, जिसकी अग का धुआं कितें ना कितें इस हादसे का कारण बनिया। इस हादसे दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं, जिस तों देख के अंदाजा लगाया जा सकदा है कि धुंद दे कारण किन्ना भयानक हादसा होवेगा। बस दा अगला हिस्सा पूरी तरह दे नाल नुकसानिया गया, इन्ने ही नहीं हाईवे दे उपर गड्डियां दीआं कतारां लग गईआं, आवाजाई भी प्रभावित होई गई। फिलहाल इस हादसे की जानकारी मिलन दे बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके ते पहुंचे ने, जिन्हां दे वल्लों जांच कीती जा रही है। उधर दूसरे पासे मृतक दे परिवारक मैंबरां नूं सूचित कीता गया, जबकि जख्मी नूं नेड़ले हस्पताल दे विच दाखल करवा के उसका इलाज शुरू करवाया गया। राजपुरा तो जतिंदर संधु दी रिपोर्ट।